दोस्तों अब कुछ ही दिनों के बाद हमें WWE का स्कॉटलैंड यूके से WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लैश ऑफ कैस्टल। पिछली बार दोस्तों ये हमें यूके से ही देखने को मिला था जहां पर दोस्तों ये एक स्टेडियम वाला शो था। इस बार भी इस शो के लिए काफ़ी तगड़ी हाइप WWE ने क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों WWE ने 5 मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं, उनमें से दोस्तों काफ़ी तो काफ़ी तगड़े मैचेस हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पूरे शो के बारे में बात करेंगे और पूरे शो के मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिलेंगे और उन मैचेस के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो के अंदर इंडिया की टाइमिंग बताने वाला हूँ कि ये शो हमें इंडिया में कब देखने को मिलने वाला है लाइव। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर आप इस शो को किस तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों ये शो आपको रात को 12:30 बजे से ही देखने को मिल जाएगा। रात को आपकी नींद जो है वो आपको गंवानी पड़ सकती है अगर आप इस शो को लाइव देखना चाहते हो। वैसे दोस्तों इस शो की जो पूरी रिव्यू वीडियो है वो दोस्तों आपको चैनल के ऊपर सुबह ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर WWE ने 5 मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस किया है, जहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट मैच है वो दोस्तों ट्रिपल थ्रेट टैग टीम है जो कि होगा WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस अल्बा फेरी एंड इल्सा डाउन वर्सेस शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क के बीच में। तो दोस्तों यहां पर देखो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल की जो टैग टीम है उसको WWE काफी तगड़े स्पोर्ट्स के अंदर बुक करती है, उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। तो यहां पर दोस्तों कोई चांस नहीं है कि वो अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर गंवाने वाली है और सिंपली दोस्तों बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच है वो दोस्तों सैमी जेन वर्सेस चैट गेबल के बीच में जो कि होने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। तो देखो दोस्तों वैसे इस मैच के अंदर जो प्रेडिक्शन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर दो सिनेरियोज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर ये है कि चैट गेबल यहाँ पर सैमी जेन को हराकर नए चैंपियन बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वो होने वाला है दोस्तों कनाडा से जो कि सैमी जेन का होम टाउन है। तो वहां पर दोस्तों हो सकता है कि WWE सैमी जेन को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जितवा सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सिनेरियो ये भी है कि दोस्तों शायद यहां पर सैमी जेन अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर ले। ओवरऑल दोस्तों मैच ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है और इस मैच के अंदर हमें काफी सारे ऐसे क्लोजिंग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ऐसा लगेगा कि भाई इस टाइम पर सैमी जेन जीतने वाले हैं, इस टाइम पर यहां पर चैट गेबल जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी प्रेडिक्शन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सैमी जेन यहां पर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। और वैसे दोस्तों इस मैच के अंदर चैट गेबल के भी चांस है लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहां पर सैमी जेन के पक्ष में रहने वाली है कि सैमी जेन इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद जो अगला मैच है वो दोस्तों बेली वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में जो कि होगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और देखो दोस्तों इस मैच के लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं क्योंकि दोस्तों WWE ने इनकी फ्यूड का इतना कुछ खास बिल्डअप हम सभी को नहीं दिखाया। यहाँ पर सिंपली दोस्तों पाइपर नेवन को इसलिए बुक किया गया है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों उनका होम टाउन है तो रिएक्शन तो उनको काफ़ी अच्छा ही मिलेगा लेकिन जो चैंपियनशिप है वो शायद उनको नहीं मिलने वाली। और यहाँ पर हमारी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इस मैच के अंदर जो बेली है वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगला मैच है यहाँ पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेज एजे सेल्स के बीच में जो कि होगा एक आई क्विट मैच और ये होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों बैकलैश के अंदर जो हमने इनका मैच देखा था वो दोस्तों काफ़ी क्लासिक मैच था, काफ़ी सारे फैंस को मैच पसंद आया था। लेकिन अब जो स्कॉटलैंड के अंदर इनका मैच होने वाला है क्लैश ऑफ कैस्टल के अंदर, ये दोस्तों एक स्टिपुलेशन के साथ मैच होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सिंपली यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ तो भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। लेकिन इस मैच के अंदर जो स्टिपुलेशन ऐड हुई है आई क्विट मैच की, वो इस मैच को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर दे रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक इस मैच को दिखा रही है। तो मैच ये दोस्तों ओवरऑल काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जो लुक गैलोस और कल एंडरसन है उनकी भी हमें इंटरफ्रेंस देखने को मिलने वाली है, हो सकता है ये 3-on-1 जैसी सिचुएशन भी हमें इस मैच के अंदर देखने को मिले। लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो दोस्तों कोडी रोड्स के पक्ष में रहने वाली है कि कोडी रोड्स इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। लेकिन एजे सेल्स किस तरीके से आई क्विट इस मैच के अंदर बोलेंगे वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों ये होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर जो
दोस्तों जजमेंट डे जो है वो रिंग साइड से बैन रहने वाली है, क्योंकि फिन बैलर को ड्रू मैकइंटायर ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हरा दिया था और इसकी वजह से जो ये स्टिपुलेशन है वो इस मैच के अंदर अप्लाई होने वाली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो देखो दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई ड्रू मैकइंटायर का होम टाउन है, ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर जीतने ही वाले हैं, डेमियन प्रीस्ट का यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है, ड्रू मैकइंटायर क्लियर यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को हराकर नए चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस मैच के अंदर जो काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं वो क्रिएट होने वाले हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि इस मैच की जो प्रिडिक्शन है वो इतनी आसान है, लेकिन इस मैच को प्रिडिक्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक का हमें एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है कि सीएम पंक यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर से उनके होम टाउन के अंदर जो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ड्रू मैकइंटायर के पास, उसको वो कोस्ट करवाने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस मैच का जो सिनेरियो होने वाला है, इस मैच का जो एंड होने वाला है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट हमें 99% देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को भी क्रॉसओवर कर जाएं और उसके बाद भी जो ड्रू मैकइंटायर है सीएम पंक के आने के बाद भी ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रीस्ट को हरा दें और ड्रू मैकइंटायर फाइनली नए चैंपियन बन जाएं उनके ही क्राउड के सामने, जो कि ड्रू मैकइंटायर के लिए काफ़ी बड़ी मूवमेंट है। लेकिन दोस्तों इस मैच के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद डेमियन प्रीस्ट ही जीतने वाले हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मुझे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मैच के अंदर सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है और आने वाले टाइम के अंदर सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुकी है और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी करने वाली है स्कॉटलैंड से ही। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रू मैकइंटायर को इस बार मोमेंट मिलने ही वाला है, क्योंकि ये मोमेंट उनके करेक्टर के लिए भी सूट कर रहा है और ये मोमेंट उनके होम टाउन के लिए भी सूट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रू मैकइंटायर इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं और ड्रू मैकइंटायर फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे अपने क्राउड के सामने। लेकिन यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को भी देखिए, डेमियन प्रीस्ट के भी जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि इस पर यहाँ पर सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड ड्रू मैकइंटायर के पीछे पीछे स्कॉटलैंड के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों वेट करते हैं शो का, जो कि हमें कुछ ही घंटों के बाद अब WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि क्लैश ऑफ कैस्टल है। तो दोस्तों ड्रू मैकइंटायर के साथ हम अपनी प्रेडिक्शन यहां पर रखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे भी सीखने के लिए वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।